फरहत के हाथ से भी सब कुछ निकल चुका है। यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी है मंगनी की और आज मंगनी का दिन है। मंगनी के लिए पूरे घर में मस्ती हो रही है और डांस हो रहा है, लेकिन यहाँ फरिया खुश नहीं है इस मंगनी से। घर के बाहर लड़के वाले भी आ चुके हैं अंगूठी पहनाने के लिए फरिया को, और यहाँ अंगूठी पहना दी जाएगी। फरिया बेबस है, उसके पास और कोई रास्ता नहीं सिवाय इस मंगनी को करने के लिए। यहाँ फरहत को जब ये बात पता चलती है कि फरिया की मंगनी हो चुकी है तो वो काफी गुस्से में आता है। यहाँ जो फरहत को बोलता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है इस रिश्ते से, और ये रोमियो जूलियट का प्यार कभी अच्छा नहीं हुआ। मामला बहुत बिगड़ चुके हैं, फरहत के हाथ से हर चीज निकल चुकी है। इसने डिसाइड कर लिया है कि वो आज जाएगा फरिया के घर पे। घर में कूद के आ चुका है फरहत, यहाँ खिड़की के पास बुलाता है फरिया को और यहाँ फरिया से पूछता है कि मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ भाग के चलो। यहाँ सारी तस्वीरें अपनी उठा के फरिया आ जाती है फिर फरहत के साथ, और यहाँ घर से भागने की तैयारी हो चुकी है। फरहत घर से भाग रहा है, गार्ड रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गार्ड के हाथ से निकल जाता है फरहत, और फरिया घर से बाहर आ चुके हैं। दोनों भाग रहे हैं, लेकिन भाई को पता चल चुका है कि फरिया घर से भाग गई है। यहाँ भाई इसका पीछा करेगा और अपने बंदों को साथ लेके फरिया के पीछे भागेगा। फरहत के ऊपर गोलियों की बरसात कर देते हैं, लेकिन फरहत बड़ी मुश्किल से बच जाता है इनसे। फरहत गलियों में भाग रहा है। फरहत ने कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब इसको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, कौन सी मंजिल है फरहत की जहाँ फरिया को वो छुपा सके। फरहत इतनी देर में घर पहुँचता, लेकिन साकिब भाई फरहत के घर पहुँच जाते हैं और घर पे दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं तो यहाँ उनका बाप उनके सामने खड़ा होता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरी बहन को भगा के ले गया है, अब मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा घर ढूंढ लेते हैं लेकिन फरहत इनको नहीं मिलता, लेकिन ये साहब बोल देते हैं कि फरिया जिस दिन इस घर के अंदर आई तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। देखना ये होगा कि फरहत के घर वाले फरहत को और फरिया को अपने घर में क्या जगह देंगे और फरहत के घर वालों के साथ अब क्या कुछ होने वाला है। फरिया के बाप का गरूर जबी बोस हो चुका है क्योंकि इसकी इज्जत घर से जा चुकी है। मोती वाले के घर में ऐसा लग रहा है बिल्कुल शोक का समा है। ये सब कुछ हो जाने के बाद क्या फरिया की मंगनी क्या रह पाएगी, लड़का क्या इनकार कर देगा। अगर आपको पूरी स्टोरी देखनी है तो मैंने लास्ट एपिसोड अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं मेरी प्रोफाइल में। ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।